आज पूरे देश में लोकसभा चुनाव का परिणाम आ रहा है और 1 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है। इस वक्त मैं कांग्रेस के दफ्तर में हूं। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर का आप नज़ारा देख सकते हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर और अंदर चारों तरफ कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ है, जिसके बारे में पहले ही कांग्रेस नेता और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था कि सभी कार्यकर्ता आए और आकर के यहाँ पर देखें। तो इस बार जो संतोषजनक रिजल्ट आया है, कांग्रेस को उम्मीद थी कि 295 आएंगे, लेकिन 295 का आंकड़ा तो फिलहाल बीजेपी के पास है और वो 300 के आसपास पहुंच चुकी है, पूर्ण बहुमत के पास है और पूर्ण बहुमत से हालांकि आगे है। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में भी आज हलचल है, आज यहाँ पर चहल पहल है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो कल शाम को यहाँ पर टेंट लगाया गया था उसके अंदर हो या फिर घनी धूप में बाहर, वहाँ पर भी लगातार नेताओं का जो घूमना फिरना है, जो यहाँ पर एक जोश, मतलब क्योंकि एक जो संतुष्टि भरा एक रिजल्ट आया है, जो परिणाम, जो रुझान जिस तरह के एग्जिट पोल में आए थे, एग्जिट पोल में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी 400 पार और 100-150 के आसपास इंडिया गठबंधन सिमट जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन इस वक्त काफी लीडिंग पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में है। जीत और हार की बात नहीं, लेकिन जो पोजीशनिंग आई है इंडिया गठबंधन की, वो अपने आप में यहाँ का जो नज़ारा है उसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के हालात हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में देश से, दिल्ली से और आसपास के इलाकों से आए हुए हैं। क्या कंडीशन है, क्योंकि तमाम लोग अभी भी टी शर्टें वो पहने हुए हैं जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो लोगो है वो लगा हुआ है। और खास बात यह है कि बाहर भी यहाँ पर मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा है, अंदर भी मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा है और ऐसी चहल पहल सालों के बाद कांग्रेस पार्टी कार्यालय के अंदर देखी गई है। 24 अकबर रोड है ये और 24 अकबर रोड में आपको मैं दिखाऊं कि अंदर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का एक जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है अंदर मीडिया से बातचीत करने के लिए, और तमाम जो चैनल्स की स्क्रीन है वो यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग चैनल देख रहे हैं और इंडिया का जो मौजूदा आंकड़ा है वो 244-245 यानी 40 के पार दिखाई जा रहा है और एनडीए 280 से ऊपर और ऊपर नीचे, मतलब अभी तो जो रिजल्ट है उसमें आने में कुछ वक्त है, लेकिन अंदर जो माहौल है वो अपने आप में काफ़ी राहत भरा है, खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि जो परिणाम है वो जिस तरह की वो उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह की उनकी चाहत थी, जो उनकी इच्छा थी, जो माहौल था, ये मीडिया के लिए टेंट बनाया गया था। और आप देखिए अंदर तो जो हलचल है वो है ही, इसके अलावा बाहर भी जो माहौल है आप देखिए, जीत भले ना हो, सरकार भले ना हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो हाई करने वाला है और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो हाई करने वाला है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पार्टी कार्यालय में आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो के नारे अभी भी लग रहे हैं, यानी जो संविधान बचाने और एक बार फिर से भारत को बचाने की जो बात थी उसका एक बड़ा मैसेज जो जनता में गया उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छी विपक्ष के तौर पर, इंडिया गठबंधन एक अच्छे विपक्ष के तौर पर सामने आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग नज़ारे हैं, ये क्या माहौल है इस बार यहाँ देख रहे हो। राहुल गांधी की सरकार बनने वाली है अभी कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी सब सरकार, उद्धव ठाकरे साहब। अच्छा, आप ये शिवसेना का भी लगाए हुए हैं, समाजवादी पार्टी का भी लगाए हुए हैं, तो आप तो इंडिया है पूरा, इंडिया का। अच्छा, कार्यकर्ता किसके हैं, कांग्रेस के या सपा के? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। क्या नाम है? यात्रा भारत जोड़ो, लक्ष्मण सदस्य वाले कर। राजी सर, इस पर कांग्रेस भड़क ला रही है, अंदर से बैठने दे। राजीव सर राजीव सर, जितना दावा था जो पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा सीट, अब पश्चिम बंगाल में जो है भाजपा का दावा पूरी तरह गलत साबित हुआ, ममता जी ने कमाल करके दिखाया। ममता जी पहले से इंडिया गठबंधन में थे, उन्होंने शुरू कहा था इंडिया गठबंधन में, तो है इंडिया गठबंधन में। ममता जी के लिए कोई मैसेज देंगे आप? मैं यही कहूंगा कि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया, अपने को झांसी की रानी साबित किया,
अटैच हो गया है सर, प्लीज कान में लगा लीजिए, स्टूडियो आपको डायरेक्टली सर, अंदर मेरे साथ श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप, जिस तरह की स्थिति है अब अच्छी, कम से कम विपक्ष के तौर पर अगर आपको मैं देखूं अभी तो अच्छी खासी सीटें आ रही हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा है पूरा देश में इस बार जनता ने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट दिया है, और राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और लगातार एक संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल जी जो लड़ाई लड़े और वो नतीजा, और इंडिया गठबंधन का सारा जो अभी सामने सामने आया है नंबर, अभी भी एक दो घंटे में अच्छे नंबर आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी एक सबके बारी जो बोल रहे थे नैतिक आदर्श पे, उनको इस्तीफा देना चाहिए, और जो काउंटिंग में जो जो लीड चल रहा है वहाँ स्लो क्यों करा रहे हैं वो, तो ये इस पे कहीं ना कहीं शक हो रहा है हम लोग। 295 का आप लोगों ने कहा था कि एग्जिट पोल हमारा है, अभी थोड़ा सा शॉर्ट है, कैसे पूरा होगा? क्या नीतीश कुमार जी से बातचीत कुछ करने की उम्मीद है या कुछ और? उसके लिए वरिष्ठ नेता लोग है, नीतीश जी सबका है, कभी भी कुछ हो सकते हो। सुनो, आप यूथ कांग्रेस वाले, अच्छा आप ये बताओ राहुल गांधी के लिए क्या आप उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी 2000 विकल्प विजनरी लीडर कोई है इस देश में, वो राहुल गांधी जी। चलो चलो, श्रीनिवास, तो ये श्रीनिवास जी थे, श्रीनिवासन जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उनका कहना है कि राहुल गांधी एक विजनरी नेता हैं, और उस विजनरी नेता होने के चलते एक विकल्प के तौर पर अगर आज की राजनीति में भारत में वो देखते हैं तो राहुल गांधी को। हालांकि अभी 295 का जो टारगेट था, जो एग्जिट पोल था कांग्रेस का, उससे थोड़ा सा भी शॉर्ट है, अभी नतीजे आने में कुछ देर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के दफ्तर में जश्न और जो जोश लौट करके आया है वो बेहद देखने वाला और कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा करने वाला है। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।